कभी भी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आता। इस समय हम एस्ट्रोनॉट के इलाके में और आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें बिल्कुल खाली नजर आएंगी। ये रॉकेट गाजा से हमास के आतंकवादियों द्वारा दागा गया था। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इसराइल, हर भारतीय इसराइल के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, छाया सामने भारत के लिए। एक महीना हो चुका है इसराइल और हमास के बीच युद्ध को, एक महीना हो चुका है उस घटना को जब हमास के आतंकियों ने इसराइल के शहर में घुसकर कत्लोगारत मचा दी। उसके बाद जो हुआ वो दुनिया देख रही, लेकिन वो दुनिया किन निगाहों से देख रही? वो दुनिया हमारे उन जाबाज पत्रकारों की निगाहों से देख रही है जो अपनी जान जोखिम में डालकर मैदान जंग पर मौजूद है। ये सिपाही नहीं है, ये किसी फौज की तरफ से नहीं लड़ रहे, लेकिन इनकी जान को हर वक्त खतरा रहता था क्योंकि ये आपके लिए वहां से खबरें लेकर आ रहे हैं। हमारे जाबाज सहयोगी प्रदीप दत्ता मौजूद है, इसराइल से लौटे हैं, गाजा बॉर्डर से आप लौटे हैं। सबसे पहले तो आपको सामने प्रत्यक्ष देखकर खुशी हो रही है कि आप सुरक्षित लौट आए हैं, क्योंकि कई ऐसे किस्से रहे हैं जब आप बाल बाल बचे हैं। तो हम लेकिन इस सिलसिले को बिल्कुल शुरुआत से लेकर चलते हैं। 7 अक्टूबर की घटना हुई, इसराइल के शहरों में कत्लोगारत मचाई हमास के आतंकियों ने, बंदी बनाया गया और 240 से ऊपर लोग बंदी बनाए गए जो आज भी हॉस्टेज रखे हुए हैं हमास के आतंकियों ने। जब आपको ये असाइनमेंट मिला, जब आप इसराइल लैंड हुए, पहला जो मंजर आपने देखा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। कुछ तो टेलीविज़न चैनल पे हम बता चुके हैं कि क्या हुआ, लेकिन कुछ कहानियाँ हैं जो हम बता नहीं पाए हैं, तो आपके द्वारा हम बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसे हम एयरपोर्ट पे पहुँचे तो एयरपोर्ट पे बिल्कुल आराम से आपको भीड़ नज़र आती है, तो आपको लगता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि एयरपोर्ट पे भीड़ बिल्कुल वैसे है। लेकिन जब आप थोड़ा ध्यान से देखते हैं तो वो एक छलावा है, वो जो दिख रहा है वो डिसेप्टिव है, क्योंकि वहाँ पे 3 किस्म के लोग नज़र आ रहे थे। एक, जो देश छोड़ के भाग रहे थे। दूसरा, वो लोग जो देश में आ रहे थे क्योंकि वो फौज के साथ लड़ना चाहते थे, छुट्टियां बिताने के लिए गए थे। और तीसरे, हम पत्रकार, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब डेंजर होता है या कॉन्फ्लिक्ट होता है या कुछ भी वॉर शुरू होती है तो लोग अक्सर वो जगह छोड़ देते हैं, लेकिन पत्रकार वो एक ट्राइब ऐसी है जो उसी खतरनाक इलाके में जाती है ताकि एक अनरिटन जो हमारी एक कमिटमेंट है व्यूअर्स के साथ कि हर हाल में आपको खबर पहुंचाएंगे, वही एक अनरिटन कमिटमेंट थी हमारे अपने देशवासियों के साथ, हमारे व्यूअर्स के साथ, हमारे दर्शकों के साथ कि हर हाल में हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। ये एक वजह था कि जैसे ही हमें असाइनमेंट मिली तो हमने कहा वहां हम जाके कवर करेंगे। और क्योंकि दूसरी जो चीज़ जो वॉर में रहती है कि जो सच्चाई है सबसे बड़ी कैजुअलिटी हो जाती है, लोग तो लोगों की जान माल तो जाता ही जाता है, उसके साथ हकीकत जो है कहीं ना कहीं वो मलबे के नीचे दबकर रह जाती है। और एक पत्रकार का दायित्व बनता है कि उस मलबे के नीचे से उस हकीकत को निकालना है और अपने दर्शकों को, अपने ऑडियंस को, अपने व्यूवर्स को, अपने देशवासियों को बताना है कि ये वो हकीकत है जो आपको कोई बता नहीं रहा, ये हम हकीकत आपके सामने एक चैलेंज हो जाता है। एक तरफ गोलियां, एक तरफ रॉकेट, और दूसरी तरफ सबसे बड़ा चैलेंज कि उस हकीकत को लोगों के सामने लाना। और ये एक नैरेटिव की भी बात है, सच किस तरफ है, मतलब इसराइल का एक अपना सच है, हमास का एक अपना सच है, फिलिस्तीन का अपना सच है, और वो तमाम लोग जो इसमें मारे गए हैं, जो पीड़ित हुए हैं, उनका अपना सच है। जब आप इसराइल पहुंचे, जाहिर है कि वहाँ इसराइल के इतिहास में शायद ये सबसे बड़ा हमला था जो नागरिकों पर हुआ, मतलब इस बड़े पैमाने पर बच्चे औरतें जिनको मारा गया, एक म्यूज़िक फेस्टिवल में गए 250 लोगों को मार दिया गया। तो अब उसके बाद जो बातचीत हुई, तमाम नैरेटिव सेट हुए कि गाजा में जो किया जा रहा है वो ख़राब हो रहा है, लेकिन जो इसराइल में हुआ और आप जब इसराइल में लैंड हुए, इसराइली जनता का उस पर क्या सोचना है, वो कितनी पीड़ित थी, उन लोगों का आउटरेज कैसा था? देखिए, हकीकत जो है आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक की अपनी अपनी हकीकत है और हर शख्स को लगता है कि जो मेरी हकीकत है वही एक हकीकत है। लेकिन एक हकीकत जो हर जंग के साथ सही रहती है वो ये रहती है कि जंग कभी भी अच्छी खबर नहीं लाता, आम आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं लाता। देखिए, आप उनके मकान तबाह हो जाते हैं, उनके आशियाने ख़त्म हो जाते हैं, उनके खाब चकनाचूर हो जाते हैं, उनके अपनों की जान चली जाती है, और यही हमने देखा जो गाजा में भी हो रहा है, ये हमने देखा इसराइल में भी हो रहा है। लेकिन जो डेंजरस चीज़ जो रहती है वो होती है नैरेटिव सेटिंग, क्योंकि ये जो जंग होती है ये 4 डायमेंशन में हो रही है। अब देखिए, एक तो एरियल हमने देखा बम्बार्डमेंट हो रही है, अपाची हेलीकॉप्टर F-15, F-16। दूसरा हम देख रहे हैं कि ज़मीन पे भी हो रही है जंग,
जहाँ पे आप मरकावा टैंक देख रहे हैं वहाँ से रॉकेट आ रहे हैं, तीसरी हम देख रहे हैं कि सी रूट से भी हो रही है, लेकिन चौथी जो इम्पोर्टेंट जंग है आजकल के दौर में वो साइबर स्पेस में हो रही है। साइबर स्पेस में क्या हो रहा है कि नैरेटिव सेटिंग हो रही है, हर कोई अपना नैरेटिव इस तरीके से सेट कर रहा है ताकि लगे दुनिया को कि उन्हीं की कहानी सही कहानी है और दूसरी कहानी बिल्कुल गलत है। वहाँ कहीं मुझे लगता है कि हमास थोड़ा जीत जाता है, हमास का साइबर स्पेस में बिल्कुल। देखिए उनका नैरेटिव ज्यादा स्ट्रांग है। उस तरीके से मैं किस तरीके से कह रहा हूँ, देखिए अभी आपने देखा होगा दुनिया भर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, एक सिलेक्टिव आउटरेज दिखती है भारत में भी कई शहरों में, बिल्कुल भारत में भी देखा आपने हुआ, कुछ लोग बाहर आए, ठीक है हमें भी गाजा के लोगों के लिए बोलना है, फलस्तीनियों के लिए बोलना है, और भारत पहले से बोलता है, जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो हर भारतीय का दिल धड़कता है कि आम शहरी के लिए, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा कि जो वहाँ हो रहा है नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप बात करते हैं तो आप क्यों अक्टूबर 7 को बुलाना चाहते हैं, अक्टूबर 7 के बारे में आप बात क्यों नहीं करना चाहते, आप क्यों नहीं बात करना चाहते उन होस्टेज के बारे में, अभी भी 240 के करीब जो है लोगों को बंदी बना के रखा है, और उन 240 लोगों की अगर बात करें तो उनमें से कोई एक 6 महीने का बच्चा है, एक 8 महीने का बच्चा है, तो उसके जो अपने हैं जो उनके रिश्तेदार हैं तो एक सवाल बड़ा पूछते हैं। जब भी मैं कवरेज के लिए गया तो उन्होंने बहुत ही अच्छा एक प्रोटेस्ट का तरीका रखा था, एक बड़ा यूनिक सा था, उन्होंने टेडी बियर रखे थे, उन्होंने बेड्स रखे थे, उनके खिलौने रखे थे, बुजुर्गों की दवाइयाँ रखी थी, क्योंकि देखिए वो जो बूढ़े हैं 85 साल की औरत है महिला है उसके लिए दवाई नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम है दवाइयाँ नहीं है, क्या मालूम है वहाँ, क्योंकि रेड क्रॉस तो जा नहीं पा रहा, दवाई दे रहे हैं। अब वो बच्चों के टेडी बियर वो दिखाना चाहते थे उन टेडी बियर के द्वारा कि देखिए क्या हालत है। अब वो बच्चा जो 6 महीने का है 8 महीने का है अभी तक तो उसने मामा पापा भी नहीं कहा है, तो अब वो 6 महीने का 8 महीने का बच्चा क्या समझता है इसराइल और फलस्तीन की सियासत को, उसका क्या कसूर है, उसको क्यों बंदी बना के रखा है, ये सब लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि हमारे यहाँ पे सियासत में इतने लोग उलझे हुए हैं कि उनकी बात नहीं करते, सिलेक्टिवली बात करेंगे, जब बात करनी है तो आम आदमी की बात करिए, जनता की बात करिए, उनके दर्द की बात करिए, जो मुश्किलात है उसकी बात करिए, लेकिन क्या हो रहा है क्योंकि उनको लगता है कि हम गाजा की बात करेंगे, लेकिन वो समझते नहीं है इसमें क्या नुकसान हो रहा है। देखिए नुकसान हमें समझना होगा, जब आप गाजा की बात करते हैं आप फलस्तीनियों की बात नहीं कर रहे, क्योंकि उन बेचारों का तो हो रहा है नुकसान तो होगा, आप कहीं ना कहीं हमास की हिमायत कर रहे हैं। और यह समझना ज़रूरी हुआ कि हमास और फिलिस्तीन एक नहीं, हमास एक आतंकी संगठन है जिसे कई लोग जो है मुजाहिद या लड़ाके भी कहते हैं, फिलिस्तीन एक देश है, भारत फिलिस्तीन, भारत का स्टैंड साफ रहा है कि हम फिलिस्तीन के नागरिकों के साथ है, लेकिन टेररिज्म के की निंदा हर मंच से होनी चाहिए। कंसिस्टेंट अप्रोच है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने भी कहा कि हमारी कंसिस्टेंट अप्रोच है टेरर को लेके, यानी कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर, टेरर के साथ हम बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि भारत से ज्यादा किसने सहा होगा आतंकवाद की वजह से, हमने देखा है कि किस तरीके से आतंकवादियों ने कई बार अटैक किया है, 26/11 हुआ है, हम भूल नहीं सकते। आप जम्मू कश्मीर से आते हैं, आप बेहतर जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद का शिकार हमारे जवान आम नागरिक होते रहे, इस अभी भी हो रहे हैं। एक सिमिलैरिटी मैंने देखी जी, मुझे सिमिलैरिटी जो लगी वो जो एक लॉबी है ना, जो वो इकोसिस्टम है टेरर का, दोनों जगह पे एक साथ काम कर रहा है। भारत में भी हमने देखा जब उड़ी अटैक हुआ तो उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक की गई तो सबूत मांगने लगे, एक सबूत गैंग थी। हमने देखा जब पुलवामा अटैक होता है तो उसमें भी एक सवालिया निशान इकट्ठा लगा दिया उन्होंने कि पुलवामा अटैक किसने करवाया, जबकि सबको बारे में प्रूफ है, और इतनी बड़ी रिपोर्ट है, मतलब कई हजार पन्नों की एनआईए की रिपोर्ट है, 4 शीटें जो प्रेजेंट की गई है, जिसपे पूरे कई महीने लगा के काम किया गया, और सबको बारे में कि जैश मोहम्मद ने किया, और सबको पता है जैश मोहम्मद कहाँ है, लेकिन सवालिया निशान लगा दिया, और फिर उसके बाद जब सर्जिकल स्ट्राइक होती है उसको कहा सर्जिकल स्ट्राइक, और यही मैंने देखा, यही लॉबी काम कर रही है वहाँ पे भी। जब उन्होंने कहा कि हमारे लोगों को बीहेड किया गया, सर काटे गए, उस पर भी सवाल पूछा, उनको बोला बताओ कितनों के काटे, किसी ने कहा कि किस वेपन से काटे, क्या वो क्लीवर था, क्या वो चाकू था, क्या वो कुल्हाड़ी थी, क्या वो क्या चीज़ था, मतलब मुझे एक पल के लिए लगा कि ये लॉबी कितनी स्ट्रांग है, ये इकोसिस्टम कितना स्ट्रांग है, किस तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, चाहे देखिए हमास हो, आइसिस हो, अलकायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, नाम अलग है, लेकिन काम उनका एक ही है, आम आदमी को मारना, और वही उन्होंने अक्टूबर 7 को किया, जब वो आए उन्होंने एक आम आदमी को मारा। एक देखिए मैंने वो 43 मिनट का वीडियो देखा है, उस वीडियो में 200 के करीब पत्रकार बैठे हुए थे जिसमें मैं एक था, और मैंने सवाल भी पूछा था, शायद मैं ही एक भारतीय था जिसने उसमें सवाल पूछा था उनसे, और उन्होंने एडमिट किया कि हाँ हमारा फेलियर हुआ, लेकिन जो वीडियो देखने के बाद मैंने देखा कि सब लोगों की आंखों में आंसू थे, वो जो पत्रकार थे, जो पत्रकार सवाल पूछ रहे थे वीडियो में, क्या था उसमें वीडियो को आपको बताता हूँ, जो दो दिल दहलाने वाले वीडियो थे,
एक पिता अपने दो बच्चों को बचाने के लिए सुबह उठता है, जैसे ही वह आतंकवादी दिखता है हमास के आ रहे हैं, बच्चों को बचाने के लिए वो एक शेल्टर में चला जाता है। जब वो शेल्टर में जाता है तो ये आतंकवादी हमास का जो है ये वहाँ पर ग्रेनेड मारता है, ग्रेनेड मारता है, पिता की जान चली जाती है लेकिन बच्चे उसकी बाहों में, खून से लथपथ वो बच्चे वहाँ से निकलते हुए आते हैं और एक छोटा भाई जिसकी आंख चली गई है ग्रेनेड के एक स्प्लिंटर से, कहता मुझे कुछ नहीं दिख रहा, अपने बड़े भाई से कह रहा है, और साथ में उसको कहता, बड़े भाई को कहता कि मुझे नहीं लगता यह मजाक है, ये जो हो रहा है ये हकीकत है, क्योंकि पिताजी अब मेरे रहे नहीं। फिर वो सवाल पूछता है, कहता हम क्यों जिंदा है, मैं क्यों जिंदा हूँ, क्यों देख रहा हूँ मैं ये सब कुछ। लेकिन जो उससे भी ज़्यादा जो दिल दहलाने वाला था, जब वो बातचीत कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, उतने में हमास का आतंकवादी कमरे में आता है, आराम से फ्रिज खोलता है, फ्रिज में से कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकालता है, आराम से कोल्ड ड्रिंक पीता है और आराम निकल जाता है। यानी कि उसे कोई दर्द नहीं है, इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, हैवान है पूरे, नरसिंहार करते हैं, कत्लोघारत करते हैं। और एक शख्स देखा हमने कि एक थाई नेशनल जिसकी अभी सांस चल रही है, एक आहें बढ़ता हुआ वो देख रहा है आतंकवादी की तरफ, क्या है? मतलब कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगा कि जिस तरीके से वो देख रहा था वो कह रहा होगा कि मेरी जान बख्श दो, मैंने क्या किया है, मैं तो इधर काम करने के लिए आया था। लेकिन वो क्या करते हैं, वो जो शॉवल है उठाते हैं और उससे उसकी गर्दन काटने की कोशिश करते हैं। और एक दो बार मतलब कि पहले इसराइलियों को लगा कि ये नहीं दिखाएंगे वीडियो, क्योंकि हम भी नहीं दिखाते, क्योंकि हम कभी भी आपने देखा होगा अखबार के पन्ने पे या टेलीविजन पे ना खून दिखाते हैं ना बॉडीज दिखाते हैं, एक मतलब। लेकिन जब उन्हें लगा कि नैरेटिव सेटिंग इस तरीके से हो रही है जहाँ पे एक विक्टिम को ही विलन बनाया जा रहा है, क्योंकि तो उनको लगा कि अब वक्त आ गया कि हमें बताना पड़ेगा कि देखिए उन्होंने क्या किया, हम जो बता रहे हैं, सवाल आप पूछ रहे हैं, लेकिन ये हकीकत है। लेकिन कहीं ना कहीं वो हकीकत जो है दबके रह गई है। हमने पूरी कोशिश की कि हम उनकी बात भी करें। हाँ, अगर मैं गाज़ा के अंदर होता तो शायद मैं और ज़्यादा, लेकिन जहाँ तक मैं कर पाता था मैं उनकी बात भी की, लेकिन आतंकवाद को सपोर्ट नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है कि आतंकवाद को जिस जिसने सपोर्ट किया है तो समझो कि उसने सांप को दूध पिलाया। हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि अगर आप सांप को दूध पिलाएंगे और ये सोच के पिलाएंगे कि आपके पड़ोसी को डसेगा, सबसे बड़ी गलती करेंगे, वो आपको भी डस सकता है। आज जो इसराइल में हुआ है वो कहीं भी हो सकता है। गुड टेररिस्ट और बैड टेररिज्म की बात करना बंद कर दीजिए, इसका सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। आपके अनुभव के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि एक दफ़ा हम लोगों को मालूम है कि जब आप किसी मेयर का इंटरव्यू कर रहे थे और बगल में आपके रॉकेट गिरा था, कई बाल बाल बचे थे आप। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि 37 पत्रकारों की जान जा चुकी है, ये 37 पत्रकार किसी सेना की तरफ से नहीं लड़ रहे, ये आपके लिए, आम जनता के लिए खबरें लाने वहाँ पहुँचे थे। अब उस अनुभव के बारे में बताइए, और कितनी बार ऐसे अनुभव से आप गुजरे जहाँ अपनी जान पे खतरा, ऐसा लगा कि बाल बाल बच गए, क्योंकि हम लोग यहाँ बहुत परेशान हो रहे थे ऐसी विजुअल्स देखकर और ऐसी खबरें सुनकर। देखिए, आपको मैं बताता हूँ कि सिरोट में सिर्फ हम ही थे उस समय, भारतीय चैनल जो सिरोट के इलाके में था, तो हम क्योंकि घूम रहे थे तो हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। उतनी देर में अभी जैसे मैं इंटरव्यू करने लगा वहाँ के मेयर का, सिरोट के मेयर का इंटरव्यू कर रहा था, उतनी देर में रॉकेट आके साथ में बिल्कुल बगल में कुछ मीटर की दूरी पे गिरता है एम्बुलेंस के ऊपर, और जिसमें 3 इंजर्ड होते हैं। मतलब धमाके के साथ सायरन की आवाज़, धमाका, और मेयर भी भागता, मैं भी भागता हूँ, IDF के जो जवान हैं वो भी भागते हैं, सिर्फ एक इंटरनेशनल पत्रकार एक दो थे वो भी भागे, और हम जब लेट गए। लेकिन खास बात ये मैं बताना चाहता हूँ व्यूअर को, देखिए उस समय देखिए एक फौजी और हमारे में एक सिमिलैरिटी है, जैसे फौजी चाहे बॉम्ब धमाके हो रहे हो लेकिन वो सरहद नहीं छोड़ता, वो अपने मोर्चे पर डटा रहता है, उसी तरह हम अपना माइक्रोफोन, अपना हथियार नहीं छोड़ते। कमेंट्री जारी रही, बिल्कुल आपने देखा होगा, और हालांकि कुछ लोगों ने उसको ट्रोल भी किया, लेकिन ये बहुत आसान हो जाता है कि आप क्रिटिसाइज़ करिए या घर पे बैठ के, लेकिन उस क्रिटिसिज्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमें मालूम है कि हम अपनी कमिटमेंट निभा रहे हैं, क्योंकि वो जो दायित्व है हमारा, जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है चैनल की तरफ से, लोग भी हमें देखिए एक ये सोच के जब हमें देखते हैं, उनको लगता है कि ये वहाँ से जो है हकीकत लेके आएंगे, तो हम वो दर्शाने की पूरी कोशिश करते हैं। वो एक मौका बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन मैं अपने सराहना करना चाहूँगा अपने वीडियो जर्नलिस्ट का भी। देखिए, मैं तो कमेंट्री कर रहा था, लेकिन उसके साथ साथ वो एक विजुअल्स भी लेता चाह रहा था, फ्रेम में मुझे भी रख रहा था। मुझे लगता है कि वीडियो जर्नलिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, अनसंग हीरो। बिल्कुल, वो भी देखिए आप बिल्कुल, ये मैं तो चलो स्क्रीन पर दिख रहा था, दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं चाहूँगा आज दर्शकों को बताना कि मैं कहता हूँ कि आप ज़रूर उन वीडियो जर्नलिस्ट और कैमरा पर्सन को सल्यूट करिए, वो ज़रूर दिखते नहीं है, लेकिन जो तस्वीरें आप देखते हैं ये हमारे चैनल की आंखें होते हैं, तो ये ज़रूर वहाँ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन जो ये काम करते हैं वो बहुत ही सराहनीय होता है। और मैं उसके बाद मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को मैं तो कुछ नहीं, गले लगा, मैंने कहा यार आपकी वजह से ये जो सब एटलीस्ट देख पाए बाकी लोग हमारे देश में बैठ के कि क्या हुआ। उसी तरह दूसरा एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, हम लेबनान से आ रहे थे, तो सायरन बजना शुरू हो जाता है,
मतलब कि हाईवे पे हैं, हजारों गाड़ियां चल रही हैं, एकदम गाड़ियां ब्रेक लगाती हैं, बिल्कुल रुक जाती हैं, तो गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं, औरतें बच्चे सड़क पे लेट जाते हैं, कुछ गाड़ी के नीचे छुप जाते हैं क्योंकि रॉकेट ऊपर से कोई 12 से 15 के करीब एक्सप्लोजन होता है। वहाँ भी हम बिल्कुल करते रहे, अगर आप विजुअल देखेंगे सचिन, वहाँ भी पूरा रॉकेट के वो धुआं दिख रहा है, एक्सप्लोजन दिख रहा है, और मुझे भी दिखा रहा है, और हम कवर कर रहे हैं पूरी कमेंट्री। जैसे वो सारा मंजर ख़त्म होता है, मतलब एक पल के लिए लग रहा था जैसे रॉकेट हमारे सर पे गिरेंगे, और वो स्प्लिंटर जो हैं किसी भी दीवार के अंदर सुराख करके निकल जाते हैं, चीर के निकल जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये रॉकेट हमास की तरफ से आए थे, और ये रॉकेट लगातार वो दाग रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आयरन डोम की वजह से, वो एक प्रोटेक्शन सिस्टम है जिसकी वजह से रॉकेट इंटरसेप्ट हो जाते हैं, कई बार क्या होता है वो आसमान चीरते हुए किसी बिल्डिंग पर गिर जाते हैं, तो मतलब कि रिस्क रहता है हमेशा। अब ठीक है, हमने वो कवर कर दिया, हम कवर करके अब गाड़ी में बैठे। जैसे ही हम गाड़ी में बैठे तो हमारा जो ड्राइवर था उसे एक पैनिक स्ट्रोक आ गया, और वो अपनी धर्मपत्नी से बात कर रहा था, वो भी लेटा हुआ था, धर्मपत्नी से बात कर रहा था, वो वीडियो कैमरा पे थी, और वो भी परेशान हो गई क्योंकि सांस उसकी बंद हो गई। एक पल के लिए हम भी घबरा गए, हमने सोचा कि अब शायद हमें हॉस्पिटल पहले जाना पड़ेगा। हमने उसकी मालिश वालिश करी, पानी पिलाया, 15-20 मिनट लगे, और थोड़ा गाड़ी हमने साइड पे करवा दी जब तक वो ठीक हुआ। फिर उसकी धर्मपत्नी से बात करी, उन्हें बताया कि बिल्कुल ये ठीक है, आप फिक्र ना करिए, क्योंकि आप सोच सकते हैं कि कितनी अनसर्टेनिटी होती है ऐसी जगह पे, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मतलब कि जो हमारा टैक्सी ड्राइवर था वो भी हमारा परिवार का सदस्य बन गया था क्योंकि लगातार वो हमारे साथ था। तो मतलब हम उसकी भी सराहना करते हैं कि किस मुश्किल दौर में, लेकिन आसान बड़ा हो जाता है कि आप बड़ी बातें करेंगे, लेकिन आप वहाँ पे आइए देखिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि वॉर जोन में एक चीज़ रहती है, अनसर्टेनिटी इज़ द ओनली सर्टेनिटी, और वो रहती है हमेशा। ये कहते हैं कि मैं जब वो देखता हूँ, उनका स्पिरिट भी लोगों का देखता हूँ, तो उनके भी सैल्यूट करने का मन करता है। गाजा बॉर्डर पर भी आप गए, और फिलिस्तीनियों से भी आपकी, नागरिकों से भी मुलाकात हुई, उस बातचीत में क्या लबोलुआब निकल कर आया, वो लोग क्या चाह रहे हैं? ये जो आम लोगों की बात करना चाह रहा हूँ मैं, क्योंकि जाहिर है इसराइल एट वॉर, नेतन्याहू कह चुके हैं हम हमास को ख़त्म किए बिना हटेंगे नहीं, लेकिन जो आम लोग हैं, जैसे ऑक्यूपेशन की बात इसराइल भी नहीं कह रहा है, अमेरिका भी कह रहा है कि गाज़ा पर इसराइल का नहीं, फिलिस्तीन के लोग डिसाइड करेंगे, जो आम लोग हैं जिनका आतंकियों से संगठन नहीं है, उनकी बातचीत में क्या निकल कर आया? क्या आपने दर्द देखा, या क्या ऐसी बातचीत थी जो वो चाहते थे कि दुनिया जाने? देखिए, इस जो फिलिस्तीन के लोग थे उसमें तीन किस्म के मुझे नजर आए। एक जिनमें गुस्सा था, वो कह रहे थे कि जो ये हुआ है पिछले कई सालों से हमारे साथ अच्छा नहीं होता आ रहा, ये हमारी जमीन थी, इस पे कब्जा किया गया है, तो एक जो नॉर्मल व्यू पॉइंट है वो गुस्सा भी। एक था जो अमन चाहते थे, वो कहते थे कि हम ये नहीं चाहते। और तीसरा वो तबका भी था जो कह रहा था, कहता है कि अगर इन्होंने इसराइल की फौज पर हमला किया होता तो ये शायद हीरो माने जाते, लेकिन उन्होंने छोटे बच्चों को मारा, औरतों को मारा, वो कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो कहा कि इन्होंने वो हरकत करी है जिससे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए, और हम भी फलस्तीनी शर्मिंदा हो रहे हैं, लेकिन हम कुछ ना कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो भी देखिए फंसे हुए हैं गाज़ा के अंदर। जो फलस्तीनी है वो भी एक ढाल की तरह है, इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए मस्जिद के अंदर बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर से लॉन्चर चल रहा है, स्कूल है तो स्कूल के वहाँ से चला रहे हैं, अस्पताल है तो अस्पताल के अंदर चला रहे हैं, आजकल तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और वहाँ से अगर आप देखिए इसमें मुश्किल क्या हो जाती है एक सुरक्षा बल के लिए। मैंने कश्मीर में भी देखा है, कई बार क्या होता है कि लोग घरों में छुप जाते हैं आतंकवादी जाके, और लोगों के घरों से निशाना बनाते हैं। अब एक मिलिट्री वाले के लिए, आर्मी वाले के लिए एक डिफरेंशिएट करना कि कौन आतंकवादी और कौन सिविलियन है बहुत मुश्किल होता है। तो अब जब आप सिविलियन एरिया में ही रह रहे हैं और वहीं से आप ऑपरेट कर रहे हैं, और कोई वर्दी भी नहीं पहने और सिविलियन कपड़े पहने हुए हैं, तो आम लोगों की तरह आप वही वेशभूषा है आपकी, तो उसमें कैसे आपको पहचाना जाए? तो ये एक बहुत ही चैलेंज बन जाता है अर्बन वॉरफेयर में इन लोगों के लिए, उनको ढूंढना और उनको मारना। उसके बावजूद आप देखिए कोशिश कर रहे हैं, देखिए कैजुअल्टी लोगों की हो जाती है, आप चाहे जितना भी कर लीजिए बच्चों की कैजुअल्टी हो जाती है, शायद यही एक वजह है कि एक आक्रोश और ज़्यादा होता है। और वो चाहते हैं, देखिए वो चाहते हैं कि जितनी ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टी होगी, हर बच्चे का मरना वो चाहते हैं, हर औरत का, क्योंकि कश्मीर में भी आपने देखा होगा जब पथराव होता था तो कुछ लोग चाहते थे कि पत्थरबाजी हो, वो चाहते थे कि एक्शन में जब आर्मी या कोई या पुलिस या पैरामिलिट्री उनको रोकने की कोशिश करे तो किसी ना किसी की जान चली जाए, ताकि ये जो सिलसिला है पत्थरबाजी का चलता रहे, प्रोटेस्ट का चलता रहे, वो चाहते रहते थे ऐसा होता रहे। और यहाँ भी लाशों पर सियासत, ये जो है ये गिद्ध की तरह है, जो लाशों पर सियासत कर रहे हैं, जो लाशों पर मतलब कि अपनी जो है इमारतें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
ये इमारतें ज़्यादा देर रहती नहीं है, ढह जाती हैं। कुछ अभी उनको सपोर्ट ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन उनको रियलाइज़ करना होगा कि ये जिनको आप इमारतों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इमारतें नहीं हैं, मकबरे हैं, और ये लोगों की लाशों पर बने हैं, फ़लस्तीनियों की लाशों पर बने। और अगर आप फ़लस्तीनियों के खैर ख्वाह हैं तो मेहरबानी करके आप दो सवाल ज़रूर पूछिए इनसे, उन होस्टेज को क्यों नहीं छोड़ रहे, आप उनको क्यों भूल रहे हैं। बिल्कुल, 240 होस्टेज को छोड़िए, अगर उसके बाद इसराइल फिर से करता है तो फिर आप इसराइल को पूछ सकते हैं, अब तो इन्होंने छोड़ दिए, लेकिन आप वो कह नहीं रहे, अक्टूबर 7 की बात नहीं कर रहे और आप सिंपली इसराइल को पूरा ब्लेम कर रहे हैं, वैसा नहीं चलता। ये सिलेक्टिव आउटरेज जो है ये डेंजरस चीज़ है, इससे आप आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। एक जो एक खासकर ये बहुत ज़रूरी बात है, जो लोग भारत में भी या कई दुनिया के शहरों में पाकिस्तान में प्रोटेस्ट करते हैं इसराइल को एक एंटी मुस्लिम और ये सारा नैरेटिव जो चलता है, आपको आप और ख़ासकर आप ट्रोलर्स की बात कर रहे हैं, एक मैं तो कहूँगा कि अगर वो एक मिनट जाकर गाज़ा पट्टी में या कहीं भी उसके बॉर्डर पे ही तेल अभी एयरपोर्ट पर ही जाकर अगर वो 10 मिनट की ऐसी रिपोर्टिंग कर दें तो उसके बाद शायद वो बोलने के हकदार हो। खैर ट्रोलर्स की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ये कई मोर्चे पे ये युद्ध है, जैसे लेबनान का भी इसमें रोल है, ईरान के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो सपोर्ट कर रहा है, कतर जो है वो लगातार बयानबाजी कर रहा है। एक तो पुराना इतिहास रहा है इसराइल बनाम अरब कंट्रीज़ का, लेकिन इस वक्त जो लेबनान की तरफ भी आप गए, उस तरफ से क्या रिपोर्ट आई? देखिए, थ्री फ्रंट वॉर है, आपको मैं उसको लोगों को बड़ा सरल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स पॉलिटिक्स है, अगर उसमें जाऊँगा तो एक पूरा दिन लग जाएगा, लेकिन मैं सरल तरीके से एक्सप्लेन करूँगा कि थ्री फ्रंट वॉर कैसे। देखिए, आप सदर्न साइड पर देखिए हमास एक एच, यमन से हूथी दूसरा एच, नॉर्दर्न साइड लेबनान से हिजबुल्ला तीसरा एच, और इन तीन एच के बीच में जो सूत्रधार है वो चौथा एच है, जो सबसे बड़ा एच है वो है हेट्रिड, हेट्रिड यहूदियों की तरफ, हेट्रिड इसराइल की तरफ, और यही वजह है कि तीन फ्रंट पे इसको जंग लड़ी जा रही है। और अमेरिका की डिप्लोमेसी और बाकी जो वेस्टर्न मुल्क हैं उनकी कोशिश ये है कि ये जो जंग है ये गाज़ा में कन्फाइंड रहे, ये बाकी जगह ना चाहे, क्योंकि हमास को लग रहा था कि जब हम ऐसी हरकत करेंगे उसके बाद हम कहेंगे कि अपने मुसलमान भाई सब इकट्ठे हो जाएं तो शायद बाकी सारी कंट्री, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अंदर कहते हैं ना, मन के अंदर इजिप्ट को भी मालूम है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह होगा, खतरा पैदा, ठीक है बाहर बोल रहे हैं कि ऐसा ना हो, अपने जो हैं फलस्तीनियों के साथ शाना बशाना खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमास की हमायत नहीं कर रहे, उन्हें मालूम है कि आतंकवादी संगठन आखिरकार उनके लिए नुकसान दे रहेगा। यही एक वजह है कि अभी आपने देखा होगा कि बाकी मुल्क, ईरान तो कर ही रहा है, ईरान का तो बनता है क्योंकि ईरान ही इनका सबका आका है अगर देखा जाए, और उनके पीछे ईरान के पीछे चीन है, तो चीन का तो अपना है, मालूम है चीन चाहता है कि वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव को खतरा पहुंचेगा, क्योंकि भारत की तरफ से जो कॉरिडोर बन रहा था और जो इसराइल तक जा रहा था, जिसे कहते हैं इंडिया मेडिटेरेनियन इसराइल कॉरिडोर, उससे उसको लग रहा था मेरा इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा, तो चीन तो कर ही रहे हैं, ये सारा रोल तो वो प्ले कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोगों का स्पिरिट है वो सराहनीय है, जिसको मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं जहाँ भी गया कोई बॉम्ब कोई ग्रेनेड कोई रॉकेट जो है उसके स्पिरिट को तहस नहस नहीं कर पाया, जबकि उनका रिजॉल्व स्ट्रेंथन किया है। मैं देखता था कहीं पे प्रेयर्स कर रहे, हाँ इसराइल के लोगों के, आप देखिए जब जहाज़ में हम गए तो कई ऐसे लोग थे जो यंगस्टर्स, मैंने कहा वापस क्यों जा रहे, कहते क्योंकि हमारी फैमिली को अटैक किया है, तो हम इसराइल हमारी फैमिली है और आज हमारी फैमिली पे अटैक हुआ तो हमें जाना है और हम सरहद पे, मैंने कहा करोगे क्या, हम वॉलंटियर हैं, हम सरहद पे जाएंगे फौज के साथ लड़ेंगे, जान भी चली जाए हम अपनी फौज के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो सबक है हमारे नेताओं के लिए। देखिए, एक तरफ हमारे नेता पॉलिटिसाइज करते हैं, सवाल पूछते हैं, इन्होंने आज मालूम है इन्होंने कहा आज हम सवाल नहीं पूछेंगे कि फेलियर किसका हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल था, कहाँ क्या हुआ, चूक कहाँ हुई, आज जंग है, जंग लड़ेंगे, पोस्टमार्टम बाद में करेंगे, जंग लड़नी है और जंग जीतनी है। और मैं दिखता था वो एक जब वो प्रेयर्स करते थे, वो मैं उसको कुछ हिंदी में इस तरीके से कहूँगा, हार नहीं मानूंगा जीत के ही ठानूंगा, रूठे रब को मना के ही मानूंगा, दुआओं में शक्ति है अगर ऐसी भक्ति है, मान जाएगा यार वो आखिर बख्शनहार हो, बस थोड़ा धैर्य धर, हिम्मत ना हार शुरेवर, इम्तिया खत्म हो जाएगा, एक बार फिर से इसराइल का शख्स उभर कर आएगा। तो वो कन्वे करने की, ये उस तरीके से कन्वे करने की कोशिश करते थे, एग्जैक्टली तो नहीं है बट कुछ इस तरीके का जी। हमारे टाइम्स नाउ नव भारत के सरदार ऑलवेज असरदार प्रदीप दत्ता वहाँ मौजूद थे, जब आप पहुँचते थे एक तो बतौर इंडियन आपको किस तरीके से वहाँ ट्रीटमेंट मिली, किस तरह से लोगों ने रिसीव किया, क्या कुछ
इंडिया कनेक्शन वहां निकलकर सामने आया, इस बारे में अगर आप कुछ बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने पूछी, मेरे दिल की बात पूछी, क्योंकि मैं बताऊंगा इसलिए क्योंकि मैं कहता हूं ये टर्बन जो है ना, वेयर एवर आई गो आई कैरी माई कंट्री अलॉन्ग, ये आइडेंटिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं जब जाता था, टर्बन का मतलब, पगड़ी का मतलब हिंदुस्तान, बिल्कुल आप इंडियन हैं, बिल्कुल। लेकिन ये मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो इस समय खालिस्तान की बात करते हैं और डिफरेंट आइडेंटिटी देने की बात करते हैं, ये हमारी हिंदुस्तानी आइडेंटिटी और टर्बन इतनी स्ट्रांग है ना, इसको कोई भी नहीं कर सकता, हिला सकता। क्योंकि मैं सिख बाद में था, सरदार बाद में था, मैं सबसे पहले हिंदुस्तानी था, और अगर रियल हिंदुस्तानी में था, हालांकि बाकी भी हिंदुस्तान के पत्रकार थे, लेकिन शायद कोई उनको अरब समझ सकता था, कोई पाकिस्तानी समझ सकता था, कोई साउथ एशियन की और समझ सकता था, लेकिन असली हिंदुस्तानी मुझे आज भी याद है, सचिन और मैं बाहर निकलते थे, तभी मैं गाड़ी में ही स्क्रिप्ट लिख रहा था, तो मैं कार में स्क्रिप्ट लिख रहा था, उतनी देर में सचिन और एक और पत्रकार है, वो कह रहे इंडियन, ओके ओके इंडियन, तो पूछ रहा है, उसे कार्ड देख रहा है, तो उतनी देर में मैं उतरा, कहा रियल इंडियन, अब आया तो रियल इंडियन। तो मैं वो पन्नू से कहना चाहता हूँ, ये रियल हिंदुस्तानी है, चाहे यूक्रेन जंग हो, चाहे पाकिस्तान जाएं, कहीं भी जाएं, तो ये जो मैं पगड़ी पहन के जाता हूँ, ये दस्तार पहन के जाता हूँ, यानी कि हिंदुस्तानी। और मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं यू कैन टेक आउट सिख फ्रॉम इंडिया, यानी कि किसी भी कोने में सिख जाके बस सकता है, लेकिन यू कैन नेवर टेक आउट इंडिया फ्रॉम सिख्स। तो अगर ये कुछ मुट्ठी भर लोग सोचते हैं कि ये खालिस्तान का एजेंडा चला के भारत को बदनाम करके और एक मुहिम चलाएंगे और एक दरार पैदा करेंगे, तो मेरे ख्याल से भूल जाएं, सरहद पर जिस तरीके से एक सरदार खड़ा रहता है रक्षा के लिए बाकी फौजियों के साथ, उसको वो हमेशा भारत के लिए होता है। और उसी तरह जब मैं था वहाँ माइक्रोफोन लेके, तो मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा था और सबको लग रहा था ये भारत, बिकॉज मुझे कहना नहीं पड़ रहा था, मेरा आइडेंटिटी कार्ड ये था, मुझे जीपीओ कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, मुझे आई कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और ये उनके लिए सबक है। तो आप बताइए, आप हिंदुस्तान से हमें अलग करने की कोशिश और बात करते हैं, आप बिल्कुल कामयाब नहीं, अगर मुट्ठी भर लोग ये करते हैं, आपको जूते पड़ने वाले हैं इन बातों से, क्योंकि वो हिंदुस्तान को हम रिप्रेजेंट करते हैं और हिंदुस्तान हमारी रगत में बसा है और हिंदुस्तान की एक ऐसी इमेज है, जहाँ भी जाए उसके लिए प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने एक भारत की छवि बढ़ाई है, और हिंदुस्तानियों को कहना चाहता हूँ, देखिए जहाँ कुछ हिंदुस्तानी यहाँ वापस आए, कुछ हिंदुस्तानी वहीं रुके हुए हैं, 18,000 के करीब कम्युनिटी है वहाँ हिंदुस्तानियों की, हाँ इसराइल में, तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं जा रहे, कहा नहीं, इस वक्त हमारे भाइयों को हमारी ज़रूरत है, वी हैव टू बी विद देम, कि मतलब कि वो कहते हैं ना, गुरदास मान, बाबा गुरदास मान एक पंजाबी में कहते हैं, लख परदेसी होइए अपना देश नहीं पंडीदा, जड़े मुलक दा खाई हो दा बुरा नहीं मंगीदा, मतलब कि आप कितने परदेसी हो जाइए, अपने देश के बारे में कभी बुरा ना बोलिए, यानी कि चाहे आप कनाडा में सेटल होइए, चाहे अमेरिका में सेटल होइए, चाहे इसराइल में सेटल होइए, अपने देश की छवि हमेशा बरकरार रखिए, और दूसरा जिस मुल्क में रहिए उसकी इकॉनमी, उसके लोगों के साथ शाना रहिए और उसमें कंट्रीब्यूट करिए, और वही वो कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे बैठ के कोई खाना दे रहा है उनको, कोई उनके साथ रह रहा है, एक में मिला कुछ नहीं कर पा रहा था, छोटा सा मुलाजिम था एक होटल में, कहता कि मैं उनके पास जाता हूँ, मैं खाना बना के कुछ ना कुछ थोड़ा वो दे आता हूँ, जहाँ कहीं जा सकता हूँ, तो देखिए छोटे से, और कुछ लोग हैं कुछ नहीं तो मोटिवेट ही करते, कुछ नहीं तो साथ जाके बैठते हैं, दर्द ही उनका आप है तो उसका वो दर्द उनका सुनते हैं, दर्द भरी कहानियाँ, तो कुछ ही कर सकते हैं आप, वही कर सकते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रॉन्ग इंडियन कम्युनिटी है, और यही बात थी वो लगातार मैंने एक, शायद आपने रिपोर्ट अगर देखी हो तो कहा, एक वो किसी पहले महिला ने कहा था मुझे, तो मैं रिपोर्ट भी किया, आई फॉर इंडिया आई फॉर इसराइल, दैट इज वॉट एक्चुअली वी फेल्ट वहाँ पे। तो जिस तरह एक सिपाही जंगे मैदान से लौटता है गाजे बाजे के साथ, उसका स्वागत होता है हमारे प्रदीप दत्ता, उसी तरह पत्रकारिता के एक सिपाही हैं जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट से, जहां आए दिन इनके आसपास रॉकेट गिर रहे थे, धमाके हो रहे थे, लाशों का अंबार बिछा हुआ था, लेकिन असली ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए, देश दुनिया ने देखा भी, लेकिन कई ऐसी चीज़ें थी नैरेटिव के बेसिस पे भी या इनके व्यक्तिगत अनुभव के बेसिस पे भी, जो टीवी पर उतने विस्तार से आपके सामने पेश करना संभव नहीं था, इसलिए हमने सोचा कि डिजिटल माध्यम पे हम वो बातें ज़रूर रखें। और प्रदीप भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम लोगों को फ़क्र है आप पर, नाज है, और एक असली हिंदुस्तानी ऐसा ही होता है जो ज़रूरत के वक्त खड़ा रहता है। हम उस इंडियन कम्युनिटी को भी सलाम करते हैं जो इस वक्त इसराइल में मौजूद है और इसराइली नागरिकों के साथ पूरी मुस्तैदी और मजबूती के साथ खड़े हैं। और प्रदीप भाई आपको वापस देख कर, सुरक्षित देख कर, बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की आँखें खुलेंगी जो बातें आपने बताई हैं, क्योंकि आप सिर्फ कुछ प्रोपेगेंडा अखबार या चैनल देखकर नैरेटिव बनाते हैं, लेकिन जो लोग ज़मीन पर जाकर असली हकीकत देख कर आए हैं उनसे आपको असली तस्वीर पता चलेगी।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझको उम्मीद है कि डिजिटल में जितने लोग देखेंगे नया इंसाइट मिलेगा उनको इसराइल, फिलिस्तीन और हमास पर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स।